स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आप सभी जानते हैं एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर आपको सबसे पहले एक चीज को नोटिस करना होगा कि मार्केट लगातार गिरते चले जा रहे हैं, उस टाइम में भी जियो फाइनेंस लगातार हायर हाई बनते चले जा रहे हैं, मतलब लाइफ टाइम हाई को वो ब्रेक करते आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया जियो फाइनेंस के ऊपर, जो एक फाइनेंस कंपनी है जिसका गिरना चाहिए था वो लगातार भागते चले जा रहे हैं। उसके पीछे एक बड़े रीजन है, वो है ब्लैक रॉक। अभी देखिए, ब्लैक रॉक ये बात बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। ब्लैक रॉक एक ऐसे कंपनी है जो सिर्फ इंडिया में नहीं, सॉरी सिर्फ अमेरिका में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी राज करते हैं। मतलब इस कंपनी एक फंड मैनेजमेंट कंपनी है, एक मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड के कंट्रीज के बड़े से बड़े कंपनीज को वो खुद मैनेज करते हैं। तो बेसिकली देखा है तो इस ब्लैक रॉक कंपनी के साथ जियो फाइनेंस का एक बिग डील हुआ कि 50-50 पार्टनरशिप के साथ कंपनी काम करने वाला है, मतलब रिलायंस के पास 50 और ब्लैक रॉक के पास 50। इस दोनों कंपनी एक साथ जुड़कर ज्वाइंट के साथ काम करने वाले हैं 50-50% मार्केट मतलब शेयर होल्डिंग लेकर। तो बेसिकली इस न्यूज जब से पब्लिश हुआ तब से लेकर कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस होना स्टार्ट हो चुके हैं। जियो फाइनेंस के ऊपर मैं बहुत बार इसके ऊपर काम कर चुका हूँ और मेरा एंट्री लेवल बहुत नीचे लेवल में भी है और मैं इसके ऊपर जरूर कंटिन्यू भी करूंगा क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मुझे स्ट्रांगली एक बुलिश सिचुएशन देखने को मिला। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनीज के ऊपर कंपनी के कुछ खास एक सेल्स और एक्सपेंस ग्रोथ देखने को नहीं मिला, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी कुछ खास देखने को नहीं मिला, मैं आपको बता दूं आपके जानकारी के लिए कि कंपनी का बिजनेस अभी तक स्टार्टिंग ही नहीं हुआ। तो ब्लैक रॉक के साथ अभी भी डील हुआ है, अभी कंपनी फंड मतलब मैनेजमेंट के मतलब देखा जाए तो फंड मैनेजमेंट के ऊपर काम करेंगे और ब्रोकिंग फर्म भी बनाएंगे और ब्रोकिंग फर्म आने के बाद बाकी जितने शेयर कंपनीज मार्केट में है जैसे एंजल वन है, जीरोदा है, फाइव पैसा है, मोतीलाल ओसवाल है, अपस्टॉक है, तो इस सारे कंपनीज के हालत थोड़ा सा टाइट हो जाएगा क्योंकि इतने बड़े फंड मैनेजमेंट कंपनी मार्केट में आ रहे हैं और वो भी रिलायंस जिसके नाम सब लोग तो जानते ही है, साथ ही साथ ब्लैक रॉक उसके साथ ऐड हुआ है तो उसके ऊपर एक चार चांद लग गए। तो बेसिकली जियो फाइनेंस में बहुत पहले से इस कंपनी के ऊपर एंट्री लिया हूँ, जब इस कंपनी का प्राइस एकदम लो प्राइस में था, जब इसका लाइफ टाइम लो के आसपास था, तब से लेकर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और इस कंपनी के ऊपर बेसिकली मुझे 3 बार एंट्री मिला और इस 3 बार एंट्री दिखाने से पहले वो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इंडियस जियो फाइनेंस सर्विसेज रेज 5% आफ्टर ब्लैक रॉक वेल्थ मैनेजमेंट, और वो भी देखिए तो वेल्थ मैनेजमेंट करने वाला है कंपनी, मतलब कंपनी देखा जाए तो जितने सारे ब्रोकिंग बिजनेस है उस बिजनेस के ऊपर एंट्री होने वाला है। आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं टू सेट अप वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकिंग बिजनेस इन इंडिया, तो ब्लैक रॉक के साथ ज्वाइंट वेंचर के साथ काम करने वाला है रिलायंस, तो सोचिए कंपनी को कितना बड़ा धमाका होने वाला है। तो मुझे जो लोग कमेंट्स कर रहे थे कि जियो फाइनेंस बेकार कंपनी है, तो उसके लिए बता दूं मैं किसी के साथ डिबेट नहीं करना चाहता हूँ कि आप गलत बता रहे हैं क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। मैं थोड़ा सा अलग तरीके से रिसर्च करता हूँ, आप शायद अलग तरीके से रिसर्च किए होंगे, शायद आपको इसीलिए खराब लग रहा है, तो कोई बात नहीं, आप आपके हिसाब से रिसर्च करके काम करिए, मैं मेरे हिसाब से रिसर्च करके काम करता हूँ। जिस लोगों को मेरे बातों में दम लगता है कि हाँ मैंने कुछ पॉजिटिव बात आपके साथ शेयर किया हूँ तो जरूर मुझे कंटिन्यू करिए, अगर लगते हैं कि मैं बेकार बात बता रहा हूँ तो जरूर मुझे एग्जिट भी कर सकते हैं, मतलब वीडियो को एग्जिट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर देखिए लगातार लगातार एक हायर हाई बनते बनते वो आगे बढ़ रहे हैं। तो कंपनी का जो रेंज है मैं इस रेंज को मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर एक ट्रेंड जो है वो ट्रेंड को मैं अगर बात करूं तो कंटिन्यूसली कंपनी क्या कर रहा है, एक अच्छा खासा रेंज को मेंटेन कर रहा है, कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो कंपनी इस रेंज को मेंटेन करके आगे बढ़ रहा है तो बेसिकली मुझे लग रहा है कंपनी एक जबरदस्त जर्नी अभी दिखाने वाला है, मतलब एक लंबा सा जर्नी कंपनी के ऊपर देखने वाला है। तो लगातार हायर हाई बनते बनते वो आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेडिंग पर्पस में कोई भी काम अभी तक नहीं लिया, मतलब कोई भी ट्रेड नहीं लिया एज ए स्विंग बेसिस में। हाँ, मेरा इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट को मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि जब तक कोई पोजीशन ना बने तब तक मैं ट्रेडिंग करने के लिए तैयार नहीं हूँ। बाकी आपके क्या
इस कंपनी के ऊपर विजन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इन्फोएज। तो फाइनली इन्फोएज के ऊपर ऑलमोस्ट टारगेट होने के नज़दीक में था और टारगेट होने से पहले ही कंपनी करेक्शन दिखा दिया। करेक्शन कुछ कंपनी के नेगेटिविटी के हिसाब से नहीं है, ओवरऑल मार्केट के कुछ दिनों से फॉल होने के कारण शेयर में भी प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम कंपनी काम करते हैं, जैसे शिक्षा.com हो गया, नौकरी.com हो गया, साथ ही साथ जीवनसाथी.com हो गया, उसके साथ साथ 99acre.com हो गया। तो ये सारे कंपनी मतलब सारे जो वेबसाइट आप देखते हैं वो इसी कंपनीज के ऊपर है। हाँ, एक एक दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया था कि सर इस कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से होते हैं, हम लोग तो अगर नौकरी मुझे ढूंढना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो मुझे नौकरी इस साइट के माध्यम से मिल जाता है। बिल्कुल नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको नौकरी मिलता है वो कुछ ही मिलते हैं। अगर आप इस कंपनी के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको कंटिन्यूसली वो जेन्युइन जो जॉब है वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो बेसिकली इसका प्रीमियम का बिजनेस है, तो ऑब्वियसली इस प्रीमियम मेंबरशिप आप अगर लेना चाहते हैं तो एक टाइम पीरियड के अंदर होता है। मान के चलिए आपने एक साल के लिए लिया, तो एक साल के बाद आपको फिर से इसको रिन्यूअल करना पड़ेगा। तो एक इस तरीके से जो बिजनेस मॉडल्स है वो बहुत स्ट्रांग ग्रोथ करते हैं। जैसे गूगल आज वर्ल्ड के नंबर वन कंपनी क्यों है, क्योंकि गूगल भी इसी तरीके से काम करते हैं। अगर आपको गूगल के सब्सक्रिप्शन लेना है, मान के चलिए आपके जीमेल अकाउंट है, तो जीमेल में देखिए 15 GB से ज़्यादा आप कोई भी स्टोरेज ऐड नहीं कर पाएंगे। तो 15 GB से ज़्यादा अगर स्टोरेज ऐड करना चाहेंगे तो आपको एट ए टाइम पेमेंट नहीं है, आपको ईयर ऑफ ईयर बेसिस में पेमेंट करना पड़ेगा। मंथली पेमेंट भी है, ईयर ऑफ ईयर बेसिस भी पेमेंट है। तो बेसिकली हमेशा इस तरीके से मॉडल्स के ऊपर जो जो कंपनी काम करते हैं तो उसको एक अच्छा खासा ग्रोथ हमेशा मिल जाते हैं। तो मैं नौकरी.com के ऊपर बहुत बुलिश हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि बेसिकली मुझे जो ट्रेड मिला था वो कुछ इस तरीके से शोल्डर उसके बाद बिग हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना, और फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर गया और फाइनली वो टारगेट के नज़दीक गया, उसके बाद कंपनी करेक्शन हो गया। देखिए टारगेट के नज़दीक जाने के बाद कंपनी करेक्शन हो गया, एक बात मैं आपको बता दूँ, कंपनी टारगेट तक जरूर जाएगा। देखिए इसका कोई 100% मैं गारंटी आपको नहीं दे रहा हूँ, मगर मुझे इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे जो डेटा देखने को मिला, मुझे जो अपडेट देखने को मिला, क्योंकि जब भी कोई कंपनीज लाइफ टाइम हाई करने के बाद इस तरीके से यू पैटर्न बनाकर रिवर्सल करते हैं तो वो लाइफ टाइम हाई तक जाने का कोशिश करेंगे। हाँ, मैं टारगेट लाइफ टाइम तक नहीं लूंगा, मेरा जहाँ पे टारगेट है उसी लेवल तक मैं टारगेट लेने का कोशिश करूंगा, और एंट्री लेवल से टारगेट लेवल तक देखूँ तो 31% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो बाकी आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है BSC लिमिटेड। और देखिए इन्फोएज के ऊपर BSC लिमिटेड के बारे में एक चीज़ बता दूँ, कंपनी आज लाइफ टाइम हाई के आसपास है और लगातार वो हाई करते चले जा रहे थे। कुछ दिनों से मार्केट के ऊपर एक प्रेशराइज होने के कारण बहुत सारे लोग स्टॉक बेचकर भाग रहा है, तो मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से चलते हैं। जब मार्केट बुल रन में होते हैं तो हर कोई पब्लिक, रिटेल पब्लिक और इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए आ जाते हैं। जब ओवरऑल मार्केट के ऊपर एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ तो हर कोई व्यक्ति माल बेचकर भाग जाते हैं। तो बेसिकली दिखा जाता है कंपनीज के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनीज के ऊपर अगर काम करे तो कैसे करे। देखिए अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी का फाइनेंस के ऊपर भरोसा है, कंपनी के बिजनेस के ऊपर भरोसा है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से रहना चाहिए। जैसे बेसिकली कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी में कभी भी सेल्स में कमियां देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट क्वार्टर में भी कंपनी हाईएस्ट सेल्स किया और एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल करने के बाद कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट भी जनरेट किया। अभी कंपनी ईयर पर ईयर बेसिस में देखिए फर्स्ट टाइम कंपनी 1000 को क्रॉसओवर किया, मतलब कंपनी साल भर में इस बार कंपनी ये दिखा रहा है कि कंपनी 1000 करोड़ को भी क्रॉसओवर कर चुके हैं। फर्स्ट टाइम कंपनी 4 digits तक खुद के सेल्स को लेके गए। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी एक अलग लेवल का देखने को मिलेगा। तो देखिए कंपनी जो लगातार भागते चले जाए, आपको क्या लग रहा होगा कि कंपनी ऐसे भाग रहा है? बिल्कुल नहीं। रिजल्ट आने से पहले ही कोई भी स्टॉक का अगर भागता हुआ सिचुएशन दिखे तो सोचना उस कंपनी के ऊपर रिजल्ट बहुत जबरदस्त आएगा। तो पहले से ही बड़े बड़े इन्वेस्टर और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन उसके ऊपर एंट्री लेकर बैठे हुए हैं। हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट जब जिस दिन रिजल्ट पब्लिश होता है उसके नेक्स्ट डे में ही हम लोग ट्रेड करते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम लोगों को लगता है कि ट्रेड हमने लिया, रिजल्ट अच्छा हुआ तो फिर भी शेयर क्यों गिरा है, क्योंकि देखिए जो लोग पहले से ही एंट्री लेकर रखा है वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और हम लोग बुरी तरीके से फंस जाते हैं। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ जिस दिन रिजल्ट पब्लिश होते हैं उस दिन कभी भी एंट्री मत लेना, क्योंकि अगर आपको एंट्री लेना है तो पहले से ही प्रेडिक्शन करके काम करना। अगर आपको सही में एंट्री लेना है तो रिजल्ट आने के बाद कुछ दिन होल्ड कर लेना,
उसके मतलब कुछ इंतजार कर लेना, उसके बाद आपको लोअर साइड में नीचे साइड से ही एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जैसे इस कंपनी के ऊपर अपॉर्चुनिटी के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो एक पैटर्न एक रेंज बना था, एक रेंज बना था। किस तरीके से रेंज बने ध्यान से इस चीजों को देखना। यहाँ पे देखिए एक बाइंग रेंज बना था, 22% का एक बाइंग रेंज बना। तो मैंने इंतजार किया जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे तो मैं एंट्री लूंगा। तो फाइनली इस लेवल को टच किया और ऊपर जाकर टारगेट को अचीव किया, और फिर टारगेट होने के बाद एक कफ विद हैने पैटर्न भी बना था और मुझे लग रहा था कि यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा, मगर हुआ कुछ उल्टा। उसके बाद नीचे आए और वो कप का जो लो रेंज है उसी लेवल को टच किया। तो जो कप विद हैने पैटर्न बना था इस पैटर्न को मैं यूज नहीं करूंगा, क्योंकि जो कप का जो लो है उसी लो को टच नहीं करना चाहिए। तो हैंडल कभी भी उसी लो को टच नहीं करेंगे, तो हैंडल अगर टच कर दिया तो उस पैटर्न बेकार पैटर्न बन जाएगा। अभी फिलहाल के लिए एक एक एक, एक डेटा का मैं आपके साथ शेयर करूँ तो कंपनी के ऊपर एक रेंज के लिए है। इस रेंज बहुत बड़ा रेंज है, इस रेंज को ब्रेकआउट किया है अगर रिटेस्ट करके फिर से रिवर्सल करे तो एक बड़ा सा धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो मैं एक लॉन्ग एंट्री लेने वाला हूँ, तो जब तक कोई भी रेंज ना बने तब तक मैं इंतजार करूंगा। तो आपके क्या डिसीजन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है भागीरथ जो केमिकल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, वो एक 2000 करोड़ की कंपनी है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट है, वो है कंपनी का स्प्लिट का। देखिए कंपनी एक के बदले 10 शेयर आपको देने वाला है और वो भी 2nd ऑफ मई, मतलब नेक्स्ट मंथ में आपको इस तरीके से बोनस मिलेगा। तो जो लोग सॉरी स्प्लिट मिलेगा, जो लोग स्प्लिट के शौकीन है स्प्लिट पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करिए, वेरीफाई करिए, उसके बाद काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के ऊपर बने रहिए। और हाँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ। मेरे सारे वीडियोस एजुकेशन पर्पस में है, अगर आपको काम करना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ सारी चीज़ों को सीखिए, उसके बाद काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।